नमस्कार, हम हैं आपके मुखिया और रेडियो पिटारा पर यह है मुखिया समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के हर पैक्स को 15 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। झारखंड के युवा वकीलों की प्रोत्साहन राशि में इजाफे की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में झारखंड राज्य बार काउंसिल ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की बात कही गई है। बिहार में आगामी 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होंगी। उम्मीद है कि बिजली की नई दरें लागू होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने मीटर रेंट के भुगतान से छुटकारा मिल जाएगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने यह निर्णय लिया है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। रेडियो पिटारा पर ये थे मुखिया समाचार।